हेलो फ्रेंड्स, मम्मी दा हुनर चैनल पर आपका स्वागत है। एक नई ट्यूटोरियल के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। 3.5 का हुक लेंगे, एक क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर हम 53 चैंस बनाएंगे। ये चैंस आप बच्चे के पैर से नापकर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। पैर की साइज़ के हिसाब से आप इन्हें 2 के मल्टीप्लाई में डाल लीजिए। एक चेन एक्स्ट्रा इसलिए ली है कि हम इस फर्स्ट चेन को बनाते समय थर्ड चेन से सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे, जिससे कि एक परफेक्ट राउंड बनेगा और पूरी चेन हम सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। 52 चेन से ये बूटी बनकर तैयार होगी। अगर आपको छोटी बड़ी बनानी है तो आप 2 के मल्टीप्लाई में चेन बनाइए। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक पूरी लाइन सिंगल क्रोशिया की कंप्लीट करनी है। एक चेन ले ली है, अब टर्न करके हम सेकेंड लाइन बनाएंगे। ये बूटी 12 महीने से 18 महीने तक के बच्चे को आराम से आ जाती है। आप अपने हिसाब से इसे प्लस माइनस कर सकते हैं, 42 की भी बना सकते हैं और अगर पैर थोड़ा बड़ा है तो आप इसे थोड़ी और बड़ी की कर सकते हैं। तीसरी लाइन हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर इस तरह से हम इसकी 6 लाइंस बनाएंगे। जब एक लाइन कंप्लीट होगी तो एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से बहुत ही सुंदर और प्यारी बूटी बन गई, तैयार होगी। हमने 3 बॉर्डर बना ली हैं, यानी 6 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसमें क्रीम कलर की एक एक्स्ट्रा ऊन जॉइंट करूँगी, क्योंकि मैं ये बूटी 2 कलर में बना रही हूँ। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं। दूसरे कलर की ऊन से हम 4 लाइन बनाएंगे। इस तरह से ये हम जो जॉइंट किया हुआ यार्न है उसे इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि फिनिशिंग आ जाएगी। और इस तरह से ये एक लाइन हमने कंप्लीट की यहाँ पर। देखिए, इस तरह से सावधानी से इसे कंप्लीट करें, एक चेन बना के टर्न कर दें। दूसरी लाइन हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। 2 रंग की बनाने से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। आप अपनी इच्छा अनुसार मनपसंद कलर लेकर इसे बना सकते हैं। हमने तीसरी लाइन कंप्लीट कर ली है। लास्ट चेन कंप्लीट करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और इसे हम टर्न कर देंगे। इस तरह से हम ये 10वीं लाइन बना रहे हैं। हमने लाल रंग से 6 लाइन बनाई है, क्रीम कलर से हमने 4 लाइन कंप्लीट की है। 10 लाइन हमारी बनकर तैयार हो जाती है। अब टर्न करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉर्डर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती हैं।
अब हम इसमें फिर से लाल रंग की ऊन जोड़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। लाल रंग से हम एक बॉर्डर बनाएंगे, यानी कि दो लाइन। दो लाइन बनाने के बाद देखिए आगे क्या करते हैं, पूरा वीडियो देखते रहिए। हमने दो लाइन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाकर हमने टर्न किया, फिर 16 चेन हम यहाँ पर बनाएंगे। 16 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। मैंने 16 चेन गिनकर एक निशान लगाया हुआ है। आप भी अपनी सुविधा के लिए इस तरह से पिन या ऊन या फिर आपको जो ठीक लगे उस तरह से निशान बना सकते हैं। इस तरह से 16वें कुंदे पर हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, वहाँ तक हम इसे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब हम 10 चेन यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। इस तरह से सिंगल चेन लेंगे और 3 कुंदे एक साथ उतारेंगे, यानी टोटल 20 चेन हमारी यहाँ पर माइनस होगी। इस तरह से एक चेन, दूसरी चेन, फिर इसे माइनस किया, एक चेन, दूसरी चेन और दोनों को माइनस किया, एक चेन, फिर दूसरी चेन। इस तरह से हम बीच के सेंटर के जो 20 कुंदे हैं, 20 चेन हैं, उन्हें माइनस करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। इस तरह से 10 बार हमने ये सिंगल क्रोशिया से चेन माइनस की है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो बाकी के फंदे बचे हैं, जो हमारी चेन है, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 16 चेन है जिसे कि हम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम इसे पूरा बना लेंगे। 12 से 18 महीने के बच्चे को यह बूटी बहुत ही प्यारी लगेगी पहनने के बाद। आप देख सकते हैं कि यह एक ट्यूटोरियल हमारा बन रहा है। अब दूसरी लाइन जो है, टर्न करके हम इसे टोटल 32 चेन्स इसे एज इट इज सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में लेकर हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जिसे हमने पहले 16 बनाए थे, 20 डिक्रीज किए थे, फिर 16 बनाए थे, फिर एक चेन कंप्लीट करी। अब यहाँ पर हम 13 सिंगल क्रोशिया लेकर उसके बाद 6 चेन डिक्रीज करेंगे, यानी टोटल 12 चेन डिक्रीज करेंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया और तीनों को एक साथ उतार देंगे। देखिए आप इस तरह से 1, 2 और फिर उतार दीजिए, 2, इस तरह से उतार दीजिए। यहाँ पर हम इन्हें 6 बार उतार देंगे। और बाकी के चेन हैं, इन्हें सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। 13 सिंगल क्रोशिया बनाकर इस ट्यूटोरियल को आगे पूरा करेंगे और फिर
नेक्स्ट एक पूरी चेन हम बना देंगे सिंगल क्रोशिया से। लास्ट लाइन हम सिंगल क्रोशिया से बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा ट्यूटोरियल बनकर तैयार है। यहाँ पर ऊन को कट करके सुई की मदद से अब हम इसे सिलेंगे। सीधा भाग अंदर रखेंगे, उल्टा भाग ऊपर रखेंगे और चेन टू चेन जॉइंट करके इसे हमें सिल लेना है। इस तरह से आप देखिए कुंधे से कुंदा मिलाकर चेन टू चेन दोनों को पूरी सफाई और सावधानी से बड़ी सरलता से हम इसे सिल लेंगे। हमने दो रंग की ऊन से यह बूटी बनाई है तो दूसरे रंग की ऊन को लेकर हम उसे सिल लेंगे, क्योंकि ये लाइट कलर है। अगर हम सेम ऊन से सिलेंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगेगी और बाहर धागा दिखाई नहीं देगा। इस तरह यहाँ पर कॉर्नर में हम थोड़ा सा स्लिप करेंगे दो तीन कुंदों को, जिससे कि ये किनारी दब जाए। सिलते समय हमें कुंदे थोड़े हल्के से खींचकर सिलाई करनी है, जिससे कि थोड़ा हल्का राउंड शेप यहाँ पर बनकर तैयार होगा और नीचे के पूरे भाग को सिल देना है। 2 या 3 सेंटीमीटर जितना सिलना बाकी रखेंगे और उनके कुंदों को सिलाई करते हुए यानी सुई में लेते हुए इस तरह से कवर करेंगे और फिर इन्हें खींच लेंगे और एक शेप देंगे। यहाँ पर एक गोलाई का शेप यहाँ पर देना है और इसे टाइट कर देना है फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा उनको कट कर दीजिए। ये हमारा ट्यूटोरियल बनकर तैयार है। अब इसे सीधा कर दीजिए। आप देखिए थोड़ा फिनिशिंग कर लें, हाथ से इसको शेप दे दें। ये हमारी बूटी बनकर तैयार है। नीचे का भाग भी काफ़ी सुंदर बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम अगले वीडियो में मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।